अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। मैंने ये अचार डाल रही हूँ नींबू का, जो मैंने 3 दिन पहले इसको कट करके नमक लगा के रख लिया था। अब ये अच्छी तरह से गल गए। अब इसको अपन लगाएंगे लहसुन। लहसुन जो कि मैंने 5 डल्ले लिए हैं, इसको दरदरा पीस लिया है। इसको अपन मिला लेंगे। लहसुन डालना इसमें, अदरक नहीं डालना इसमें, नींबू के अचार में लहसुन डालना। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी ली है, यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम राई, यानी दोनों इक्वल लिया है। इसको भी अपन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब ये मिर्ची है, इसको भी अपन इसमें डाल देंगे। मैंने नमक पहले से ही लगा के रखा था, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अपन। मिला लेके मैंने यहाँ पे तेल गरम कर दिया है पहले से ही, इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मिला लेंगे अपन। मिला के ये तेल देखिए अब ठंडा हो चुका है। बघार के लिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ी सी यानी कि 1/2 चम्मच मेथी दाना, थोड़ी साबित लाल मिर्च, 10 से 12 साबित लाल मिर्च, और जो है सो इसमें डाला है मैंने लहसुन साबित। और ये मैंने गरम करके इसको बघार तैयार कर लिया है। अब इसको अपन इसमें मिला लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत आसान है अचार बनाना, आप लोग भी देखिए बना के। यहाँ पे मैंने तेल इसमें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो तेल लिया है, 1/2 लीटर तेल ली मैं। यहाँ पे देखिए मैंने सब मिला लिया है पूरा मसाला। ये मेरी मैं इसमें जो है सो बास लोग जो है अदरक और लहसुन मिलाते, मैंने इसमें मैं जैसा अचार बनाती हूँ इसमें मैं सिर्फ लहसुन मिलाती हूँ। ये नींबू के अचार में सिर्फ लहसुन, और आम के अचार में अदरक लहसुन थोड़ा, और जो है सो इसमें तेल जो है सो बिल्कुल ठंडा करके डालना, गर्म नहीं डालना इसमें। ये है टिप आज की। मैं अभी आपको डिश आउट करके बताती हूँ। यहाँ पे नींबू का अचार बनके रेडी है। बहुत मजे का हुआ। मिर्ची, नमक, हर एक चीज़ इसमें बराबर है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं हुई, कोई चीज़ कम नहीं हुई। आप इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि तेल ठंडा करके डालना और नींबू के अचार में लहसुन मिलाना। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।